वाली जो भाषा है वो कौन सी है? राष्ट्रभाषा। इसलिए एक विकसित राष्ट्र को, एक विकासशील देश को क्या होना चाहिए? एक अपनी उसकी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, यानी एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है। हमारा जो विकास है एक देश का कैसे होगा जब तक उसकी अपनी कोई भाषा नहीं होगी? जैसे अमेरिका में जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और पूरे विश्व को सम्मोहित कर लिया था। यानी एक विश्व से जुड़ने के लिए एक राष्ट्र को क्या होनी चाहिए? एक अपनी खुद की लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए। भाई जब तक अपनी भाषा नहीं होगी तब तक हम अपने जो भी कार्य या प्रगति के जो भी विकास कार्य उनको हम बता ही नहीं पाएंगे बिना भाषा के। और आज हम भाषा कैसे सीखते हैं? भाई आप अपने विचारों को कैसे प्रकट कर पा रहे हैं यहाँ इंस्टीट्यूट में आए? आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको सर से बात करनी है, उसके लिए आपको एक कम्युनिकेशन का एक माध्यम चाहिए। आप अपनी बात को कैसे रख पा रहे हो? उसके लिए एक भाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, एक भाषा होनी चाहिए। जैसे यहाँ तक पहुँचे आप तो एक भाषा के माध्यम से पहुँचे। आपको अपने विचार दूसरे मित्र से प्रकट करने हैं तो आपने कैसे अपने विचारों को प्रकट किया? एक भाषा के माध्यम से। तो सबसे पहले आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है सामान्य हिंदी, जो भी ओवरऑल एग्जाम होते हैं उनमें सामान्य हिंदी के बारे में, कि इसके प्रति जो परीक्षार्थी उसका कितना जानकारी है, कितना नॉलेज है उसको। तो सबसे पहले जो सामान्य हिंदी है वो हिंदी क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। अब ये भाषा सर्वप्रथम प्रश्न यहीं पे पुटअप होता है कि भाषा शब्द कैसे बना है। तो इसमें संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द बना है, भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। मीन्स क्या होता है? भास का अर्थ है। और इससे पहले सुन लीजिए, जो हिंदी है ये कहाँ से निकली है? ये संस्कृत से निकली है। तो संस्कृत क्या हो गई? इसकी आदि जननी यानी माता हो गई हिंदी की। तो संस्कृत में 44 धातुएं होती है। कितनी होती है? 44 धातुएं। और ये सभी धातुएं हलंत वाली होती है, जिनमें से ये एक धातु है। और भास का अर्थ है बोलना या कहना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बोलना या कहना। यानी अब भाषा की परिभाषा क्या हुई कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे क्या कहेंगे? भाषा। यानी जिस माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। प्राचीन काल में मानव एक गूंगे पशु के समान था, उसके पास अपनी कोई लैंग्वेज नहीं थी, वो सिर्फ शाब्दिक या सांकेतिक रूप में इशारों के माध्यम से अपने भाव अभिव्यक्त करता था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का प्रसार हुआ, नई टेक्निक आई, वैसे वैसे धीरे धीरे मनुष्य ने क्या सीखी? एक अपनी भाषा सीखी, जिससे वो बोल करके अपने भावों को प्रकट कर पाए। आपने प्रथम एक मूवी देखी होगी जो जिसमें कोई शब्द चयन नहीं था, गूंगी बोलती, प्रथम वो फिल्म थी कौन सी थी? आलम आरा। वो तो बोलती फिल्म थी मैम, 1923 में बनी थी। अच्छा, और राजा हरिश्चंद्र क्या थी? वो बिना बोलती फिल्म थी, वो सबसे पहले बनी थी इंडिया में, राजा हरिश्चंद्र। तो वो प्रथम बोलती फिल्म तो थी आलम आरा। और जो गूंगी मतलब जो जिसमें कोई शब्द चयन नहीं था वो कौन सी मूवी थी? राजा हरिश्चंद्र। तो उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य नए नए शब्दों का चयन करता रहा। जैसे पहले जो भी लिखित रूप था भाषा का कैसे लिखा जाता था? ये फ्लैग्स वगैरह, कंप्लेंट या कोई बोर्ड, ये नहीं थे हमारे पास। किस पे लिखा जाता था? जिसे कोई भी कम्युनिकेशन कहीं पे भेजना है, तो जो ताड़ के वृक्ष के पत्ते वगैरह थे उन
पे पूरा जो साहित्य है उसी में लिखा जाता है। धीरे धीरे ग्रंथों का, पांडुलिपियों का, इनका धीरे धीरे आविष्कार हुआ। कैसे हुआ? जब आवश्यकता हमारी बढ़ती गई तो भाषा के तीन रूप हमारे सामने आए। हमने व्यक्त तो कर दिया, जिस माध्यम से हमने भावों या विचारों को प्रकट किया वो भाषा है, लेकिन कैसे व्यक्त किया? भाषा के तीन रूप प्राप्त होते हैं। अभी कितने रूप प्राप्त होते हैं? भाषा के तीन रूप, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमने अपने विचारों को बोल करके प्रकट किया, तो वो कौन सा है? भाषा का मौखिक रूप। बोल करके विचारों को प्रकट किया तो भाषा का मौखिक रूप। यानी कबीरदास जी ने, बाद में उनके शिष्य ने संकलन किया है उनकी रचनाओं का, लेकिन उन्होंने क्या किया था, जितने भी उन्होंने दोहे वगैरह बोले वो क्या बोले? मौखिक रूप से ही उन्होंने किया। फिर उसके बाद आपने अगर किसी पत्र विशेष के माध्यम से, कोई सूचना के माध्यम से, या कोई निबंध लिख रहे हो आप तो, या कोई कहानी लिख रहे हो, तो उसमें क्या किया आपने? भाषा का लिखित रूप। तो लिख करके जिस जिन भावों को प्रकट किया वो भाषा का लिखित रूप कहलाया। और तीसरा हो गया भाषा का सांकेतिक रूप। भाषा का सांकेतिक रूप, सांकेतिक कैसे? संकेत विशेष के माध्यम से, जैसे पशु पक्षी विशेष की भाषा। भाई पशु पक्षी विशेष क्या बोल पाते? जब कुत्ता रो रहा हो या बोल रहा हो या वो भौंक रहा हो तो हम क्या समझते हैं? रात के टाइम में अंधेरा है, चारों तरफ सुनसान है और कुत्ता भौंक रहा है, तो आप क्या समझेंगे? कुत्ते ने कोई आवाज दी आपको कि भाई चोर आ गए, क्या है उसकी शब्दावली? उसका भौंकना। और हम क्या हो जाते हैं? जागृत, चौंकने हो जाते हैं कि कहीं आसपास कोई चोर या डाकू है। या कौवा बोल रहा है तो हम समझते हैं कि आज कोई ना कोई गेस्ट, मेहमान, पाहुना, अपने ग्रामीण अंचल में बोले तो पाहुणे बोलते शब्द, वो आ गए। या जैसे डम और डीप बच्चे होते, वो बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, अपने विचारों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? संकेत की भाषा। जैसे गर्मी लग रही है तो वो क्या कहेंगे? फैन ऑन कर दो। प्यास लग रही है तो वो क्या कहेंगे? पानी के लिए वो हाथों का संकेत करेंगे। भूख लग रही है या कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो रही, मुझे वो लेना है, तो वो क्या करेंगे? रोने के हाव भाव करेंगे। हाव भाव से क्या करेंगे? वो प्रकट, जैसे आपने समाचार न्यूज़ चैनल पर देखा होगा, जो बोल नहीं पाते हैं डम और डीप के लिए न्यूज़ चैनल चलता है, उसमें सिर्फ वो संकेत के माध्यम से ही उनको वो बताते हैं कि हाँ आज की ये न्यूज़ है। और कौन समझ पाते हैं? जिन्हें या तो जो टीचर है ट्रेनिंग दे रहा है वो, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं जो डम और डीप है, उन संकेतों को वो समझ पाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम भी समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद हमें भाषा के चार रूप प्राप्त हुए। जैसे भाषा के तीन रूप तो ये हो गए, फिर भाषा के भेद करते हैं तो चार हैं। सबसे पहले है बोली, फिर है भाषा, तीसरा है विभाषा और चौथा है राजभाषा या राष्ट्रभाषा। बोली किसको कहेंगे, पता है किसी को? बोली जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है, वो कुछ समय के लिए गढ़ ली जाती है। यानी कुछ शब्द हम ऐसे गढ़ लेते हैं जिनके अपनी कोई व्याकरण नहीं है, आवश्यकता के अनुसार हम उनका उच्चारण करते हैं या प्रयोग में लेते हैं, और कुछ समय के बाद वो मृत प्राय हो जाते हैं, उन शब्दों का कोई आधार नहीं होता। जैसे हमने कहा फटफटिया, जो आपके आजकल बाइक है, आप शब्द बोलते हो, मोटरसाइकिल है, उसको क्या कह दिया? फटफटिया। लेकिन इसका कोई अर्थ है क्या? कहीं व्याकरण से बना है ये शब्द? नहीं, हमने कह दिया जुगाड़। गाँव में देखा होगा आज भी जुगाड़ चलते हैं, इंजन वगैरह लगा के या स्कूटर से वो बना के, और क्या कर लेते हैं, पीछे ट्रॉली लगा लेते हैं, कुछ ऐसा जुगाड़ कि कुछ समय के लिए अपना काम निकल जाए।
या बुहारी, ये शब्द भी कोई व्याकरण से नहीं बना है। झाड़ झंकार कुछ है क्या शब्द ये कहीं पे देखा है व्याकरण में? नहीं, ये हमने अपने प्रयोग के लिए प्रयुक्त कर लिया। इनकी कोई यानी सर्व शुद्ध अर्थ क्या हुआ बोली का, कि किसी अंचल विशेष में क्षेत्र विशेष में अशिक्षित वर्ग के द्वारा कुछ समय के लिए जिन शब्दों को गढ़ लिया जाता है जिसकी अपनी कोई व्याकरण नहीं होती है वो क्या कहलाती है? बोली। और बोली का ही दूसरा नाम क्या होगा? देशज। अपने ही देश में उत्पन्न, अपने ही देश में उत्पन्न, ये हो गया। फिर दूसरा आया भाषा, यानी सर्वसाधारण समाज में शिक्षित वर्ग के द्वारा जिस बोली को प्रयोग में लिया जाता है और जिसकी अपनी व्याकरण है और रोज की दैनिक दिनचर्या के कामकाज में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाएगी? भाषा। जैसे आप मैं यहाँ आ गए कोचिंग में और आप घर पे आप मारवाड़ी बोल रहे हो या कोई और मदर टंग है आपकी उसको आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ आओगे तो आप क्या बोलोगे? औपचारिक भाषा का प्रयोग करोगे, वो क्या है? भाषा। तीसरा विभाषा, वे प्रांतीय भाषा बोलियाँ जिनको संविधान में मान्यता दे दी गई है वो क्या कहलाएंगी? विभाषा। कितनी बोलियाँ मैम ये? इसमें 22 है, संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसे अवध क्षेत्र की भाषा है अवधि दे दिया, तो अवध क्षेत्र था वो क्षेत्र विशेष था और उसको संविधान में मान्यता दे दी। जैसे ब्रज क्षेत्र, तो ब्रज से क्या कर दिया? ब्रज भाषा। चौथा राजभाषा, राजभाषा का मतलब है राजकार्य की भाषा। मैम ये भी अनुसूचित जाति और जनजाति वाली उसकी भाषा में बटी हुई है क्या? क्या प्रांतीय वाली भाषा होती है? हाँ, 22 भाषा है। हाँ हाँ 22 भाषा है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की कितनी है? क्या अनुसूचित जाति और जनजाति की भाषाएं कितनी है? ये टोटली संविधान में 22 दी है, मतलब ऐसे अलग से नहीं है, अलग से डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ टोटल 22 भाषाएं हैं। वो क्षेत्र विशेष है जिसको साहित्य में स्थान मिल गया और जिसमें उस क्षेत्र का साहित्य प्रकाशित हो रहा है। जैसे ब्रज क्षेत्र का ब्रज संबंधी रचनाएं मिलेंगी आपको, ब्रज साहित्य के बारे में पूरा विस्तार से वर्णन मिल जाएगा उसमें। फिर अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ सबका वर्णन अंदर दे रखा है, अलग से वैसे नहीं बांटा है उसमें, पूरा वहाँ के साहित्य का पूरा है। जैसे राजस्थान यहाँ का है तो राजस्थानी साहित्य का पूरा पता चल जाएगा उसमें, आपको पूरा वर्णन कर रखा है कि कैसे कैसे क्षेत्रों के आधार पे उनका नामकरण। मैं भी किया गया। मतलब दो प्रांतों में बटी हुई है, प्रांतीय और एक ये कौन, जैसे कि अपन बोलते हैं हरियाणवी। हाँ, तो वो इसमें नहीं आएगी क्या? नहीं, वो तो मदर टंग में आ गई। जैसे आप मारवाड़ी बोल रहे हैं तो मारवाड़ी थोड़ी वो है, वो तो एक मदर टंग हो गई। जैसे बजवास है तो क्षेत्र विशेष का क्षेत्र के आधार पे हो गया। ये बोल रहे हैं सभी भाषाओं को मान्यता नहीं मिली है। अभी राजस्थानी के लिए प्रयास चल रहे हैं, अभी तक मान्यता नहीं मिली, मान्यता नहीं मिली अभी तक। आगे चलिए। फिर है राजभाषा, राजभाषा यानी राजकार्य की भाषा। आप पेपर में देखते हो, न्यूज़पेपर में अखबार में देखते हो कि राजकार्य से संबंधित जो भी संदेश जनता को देना होता है वो किस में लिखा होता है? हिंदी में। तो राजकार्य की भाषा राजभाषा को कहलाए। राष्ट्रभाषा में इतना अंतर है कि एक देश से एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक राष्ट्रभाषा। और राष्ट्रभाषा हिंदी है लेकिन मौखिक रूप से। अगर प्रश्न आता है एग्जाम में कि हिंदी क्या है, राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है, तो आप क्या बताएंगे? राजभाषा, क्योंकि मौखिक रूप से ही इसको मान्यता दी गई है। अभी तक इसको लिखित रूप में संविधान में स्थान नहीं दिया गया। और वो क्यों नहीं दिया गया? हम सब के कारण हमने कोई प्रयास ही नहीं करे। जब हिंदी दिवस आता है तो हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस एक पखवाड़ा मना लेते हैं हिंदी के लिए कि आज तो हिंदी दिवस है, हिंदी ही बोलेंगे और कोई शब्द नहीं बोलेंगे। और दूसरे दिन उठते ही क्या खिचड़ी बन जाती है सबकी। क्या प्रॉपर कोई हिंदी, मैं खुद हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि अपने ये जो वर्ड है खिचड़ी में अंग्रेजी के पे आ गए, हिंदी के पे आ गए, उर्दू के पे, सारे मिक्स कर रखे हमने। और वही शब्द आते चाहे हिंदी का कितना ही धुरंधर हो, वो व्यक्ति भी इंग्लिश के वर्ड बीच बीच में बोलेगा ही करेगा।